स्टूडेंट्स एंड दीप्ति शर्मा, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पहले हमने मेल गैमेटोफाइट को, फीमेल गैमेटोफाइट को किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा है। सेकंड चैप्टर का क्लास 12 बायो का थर्ड टॉपिक है पॉलिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन को कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में सबसे पहले तो मेल गैमेटोफाइट बन गया, फिर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके नीचे प्लेलिस्ट में आप, इसके नीचे भी हम लिंक दे देंगे और प्लेलिस्ट में जाके भी आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए, तब पॉलिनेशन को समझिए, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बनने के बाद अब नंबर आता है पॉलिनेशन का, यानी कि जो एंथर पॉलिन ग्रेन बने थे, जो एंथर में, वो पॉलिन ग्रेन अब कहाँ पहुंचेंगे, स्टिंग में पर, यानी कि पॉलिन ग्रेन स्टिंग पर पहुंचेंगे। ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन को। ये क्या होता है पॉलिनेशन, देखिए तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्न पॉलिनेशन। यानी कि सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एंथर होता है, एंथर पे क्या होते हैं, एंथर में हमने आपको जो एंथर बना के बताया था, जैसे ये, ठीक है, ये एंथर आपको बताया था मैंने। एंथर में जब ये सूखते हैं तो यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन जब ये रिलीज होंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे स्टिग्मा पर। ये देखिए, ये एंथर है, यहाँ पर ये एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन है और कहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये पहुंच रहे हैं यहाँ स्टिग्मा पर, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट, जहाँ पे अंदर ओवरी उपस्थित है, तो स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तब यहाँ से अंदर जाएंगे ओवरी में, ओव्यूल के पास, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कि जो एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया कहलाती है पॉलिनेशन, यानी कि परागण। तो परागण क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। इसमें मैन क्या होता है, मैन होता है पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या होता है, जो कि इन परागकणों को लेके जा रहा है। इसके अलावा ये जो वीज दिखाई गई है, ये तो है, मतलब एक चीज मतलब बता दी गई है कॉमन की पॉलिनेटर ये वीज है, लेकिन हवा के द्वारा भी पॉलन ग्रेन जाते हैं, पानी के द्वारा भी जाते हैं, या फिर अदर एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा भी जाते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे किस किसके द्वारा जाते हैं, लेकिन मेन होता है ये पॉलिनेटर, यही क्या लेके, किसको लेके जा रहा है, पॉलन ग्रेन को। जब ये यहाँ पर इसकी खुशबू से आकर्षित होगा, फ्लावर की खुशबू से यहाँ बैठेगा, तो इसके पैरों में ये कैसे चिपक जाएंगे, पॉलन ग्रेन चिपक के ये जब फीमेल तक पहुंचेगा, इस फ्लावर पर बैठेगा, तो स्टिग्मा पर उसको छोड़ देगा। तो ये प्रक्रिया पॉलिनेशन से सारी, ठीक है। यदि अब इसमें भी हमने आपको बताया था कि एक ही फ्लावर में दोनों उपस्थित हैं, स्टिग्मा और ये एंथर, स्टिग्मा और एंथर एक ही फ्लावर में उपस्थित हैं, तो यहीं का यहीं हो जाएगा परागण। यदि अलग अलग फ्लावर में उपस्थित हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे अलग फ्लावर पे, और यदि अलग अलग पेड़ में उपस्थित हैं, यानी कि पौधा जो है वो यूनिसेक्सुअल है, एक में एक मेल गैमेटोफाइट बनाता है और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, तो अलग अलग पौधे पर जाएंगे। तो आगे देखते हैं, ये तो होगा पॉलिनेशन की ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्न पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए अब है टाइप पॉलिनेशन के कि किस किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जो पॉलिनेशन जिसमें जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि उसी में मेल गैमेटोफाइट उसी में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, तो पॉलिनेशन जो होता है एक ही फ्लावर पर हो जाता है, तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, एक प्लांट के अंदर, एक पौधे पे यदि दो फ्लावर, यानी कि एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा यदि एक प्लांट के अंदर है, और क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग प्लांट होंगे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसमें दो आएंगे, एक तो ऑटोगैमी एक गिप्नोगैमी। हम आगे पढ़ेंगे कि ऑटोगैमी और गिप्नोगैमी क्या होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं ज़िगोगैमी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन।
तो पहले देखते हैं सेल पॉलिनेशन को। देखिए सेल पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखिए सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये तो सेम फ्लावर पे होगा और यदि अनदर फ्लावर है तो वो भी सेम प्लांट का ही होगा, यानी कि एक पौधे के अंदर पहले तो कंडीशन बनती है सेल्फ पॉलिनेशन में कि एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रिप्रेजेंट हो, और यदि ऐसा नहीं है तो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं लेकिन होगा एक ही प्लांट के अंदर, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि ऑटोगैमी उसे कहेंगे जो कि सेम फ्लावर पे, ये देखिए एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एंथर भी है और स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल भी है और एंथर भी है, ठीक है। पिस्टिल क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट होता है पिस्टिल, और ये एंथर है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो एंथर है, ये जो एंथर है, एंथर से जब पोलन रिलीज होते हैं, ये देखिए रिलीज हो रहे हैं पोलन, और कहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा पर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बाहर से परागकण लेने की जरूरत ही नहीं है, लेते ही नहीं है क्योंकि सेम परागकण चाहिए इनको, तो यहीं पर जो उपस्थित है तो यहीं से यहीं पर पहुंच जाते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ये प्लांट कैसा, ये फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। देखिए लेकिन सम प्लांट्स होते हैं जैसे कि बायोला है, कॉमन पेंसी, बायोला को हम कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस है एंड कॉमेलिना है, ये कुछ है जो टू टाइप के फ्लावर्स रखते हैं। टू टाइप के फ्लावर कौन से रखते हैं, कौन कौन सा है, बायोला और ऑक्जेलिस कॉमेलिना, ठीक है, ये टू टाइप के फ्लावर्स रखते हैं। देखिए टू टाइप के कौन से फ्लावर, सम प्लांट्स सच एज बायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक तो चेस्मोगैमस फ्लावर, एक क्लस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, देखिए ये जैसे हमने आपको प्लांट बताया हुआ है, इसमें ये जो सामान फ्लावर होते हैं वो चेस्मोगैमस है, और ये क्लोज जो फ्लावर होते हैं वो क्लस्टोगैमस कहलाते हैं। पहले हम चेस्मोगैमस को देख लेते हैं, फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ द ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि जो फ्लावर अदर स्पीसीज जैसे ही होते हैं जिसमें एक्सपोज होती है एंथर स्टिग्मा खुले हुए होते हैं, जैसे अदर फ्लावर आपने सामान फ्लावर देखे ही होंगे जिसमें स्टिग्मा, अभी मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर समझाया है उसमें स्टिग्मा भी ओपन है और एंथर भी ओपन है, यानी कि इधर में दोनों ओपन होते हैं, वो कहलाता है चेस्मोगैमस फ्लावर। लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या है, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि पूरा फ्लावर ओपन, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि फ्लावर जो है ओपन नहीं होते हैं, द एंथर एंड स्टिग्मा इज क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, ये एंथर और स्टिग्मा क्लोज होते हैं एक दूसरे, क्योंकि जब फ्लावर है, मान लीजिए इस तरीके से ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये कैसा है, क्लोज्ड फ्लावर है, यानी कि ये ओपन नहीं होता है, इस तरीके से क्लोज्ड ही रहता है, जबकि चेस्मोगैमस जो है वो सामान फ्लावर इस तरह ओपन हो जाता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस में जब ओपन ही नहीं होगा तो इसके अंदर एंथर और स्टिग्मा जो है वो क्या रहेंगे, पास पास ही रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, तो इसमें पोलन ग्रेन्स जो होंगे तो अंदर ही रिलीज होंगे, बंद में ही रिलीज होंगे, जब रिलीज होंगे पोलन ग्रेन तो वहीं से वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्लावर कैसा रहेगा, क्लोज ही रहेगा, बंद ही रहेगा। इस प्रकार के फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कि क्लोज रहता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है। देखिए तो पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन, थस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, जब ये ओपन ही नहीं होते हैं तो इन पर कोई चांस ही नहीं बनता क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन तो तब होगा ना जब परागण दूसरे प्लांट से आएंगे, तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जब ये ओपन ही नहीं होते हैं तो परागण कहीं से आएंगे ही नहीं, तो परागण कहीं और से होगा ही नहीं, इसके अंदर ही जो एंथर है वहीं से पोलन ग्रेन रिलीज होगी, तुरंत स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। इसमें एक चीज होती है कि एस्टोर सीड सेट
एवर इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. ये पॉलिनेटर्स एब्सेंस एब्सेंस होता है, यानी कि पॉलिनेटर्स नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर 100% सीड सेट उपस्थित होता है, सीड होते हैं इनके अंदर. ठीक है, सीड सेट इनके अंदर उपस्थित होता है. तो ये तो होगा क्लिस्टोगैमस. ये कौन से किसके चल रहे हैं? ऑटोगैमी के. ऑटोगैमी में कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि बायोला है, ऑक्जेलेस है और कॉमेलिना है. ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस. चेस्मोगैमस ओपन और क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड. ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है. आगे है गिप्नोगैमी, जो किसकी है? सेल्फ पॉलिनेशन का सेकेंड है गिप्नोगैमी, फर्स्ट था ऑटोगैमी, तो ये सेकेंड है. ठीक है, गिप्नोगैमी. गिप्नोगैमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्लैंड्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. जैसे कि कुकरबिट्स में होता है. कुकरबिट्स क्या होता है? कुकरबिट्स में ये जो दो फ्लावर हैं, देखिए एक ही प्लांट है. ये प्लांट कैसा है? एक ही है, लेकिन ये फ्लावर दो है, एक ये फ्लावर और एक ये फ्लावर. तो यहाँ से इस फ्लावर से एंथर जो है ना, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पर लैंड होंगे. यानी कि जो एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब पोलन ग्रेन जाते हैं तो ये कहलाता है गिप्नोगैमी पॉलिनेशन. जैसे इसका एग्जांपल कुकरबिट्स है, ओक भी होता है, पाइन भी होता है. देखिए, अब दिस प्लांट सो मोनोसियस कंडीशन. ये प्लांट्स कैसी कंडीशन शो करता है? मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट में फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें फ्लावर्स जो होते हैं अलग अलग कंडीशन में उपस्थित होते हैं. यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट जो होता है वो मोनोसियस होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि जिसमें फीमेल और मेल जो होता है दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट रहती हैं इंडिविजुअल फ्लावर पर. ओके, समझ में आ गया मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट. ओके, लेकिन फ्लावर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है. ओके, तो ये तो हो गया गिप्नोगैमी. अब हम देखते हैं जीनोगैमी क्या होता है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. यानी कि जो जीनोगैमी है, जीनोगैमी किसका एग्जांपल, क्या क्या है जीनोगैमी? क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. यानी कि प्लांट जो होते हैं, एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, दोनों प्लांट अलग अलग हैं. ऐसे में जब पॉलिनेशन होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीनोगैमी फ्लावर, जीनोगैमी पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. यानी कि इसी टाइप का पॉलिनेशन जो होता है वो क्या जेनेटिकली डिफरेंट होता है, जेनेटिकली डिफरेंशिएशन लाता है. मतलब जब पोलन जो होंगे अदर कहीं और के आके, कहीं और फ्लावर के आके इस पे बैठेंगे, तब परागण होगा, तभी तो नई प्रजाति पनपेगी, तभी नई प्रजाति आएगी, न्यू फ्लावर आएंगे, डिफरेंट कलर वगैरह जो आता है वो इसी वजह से तो आएंगे. परागण डिफरेंट, परागण जो होंगे, पोलन ग्रेन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. तो इसी प्रकार के पॉलिनेशन में क्या आता है? जेनेटिकली डिफरेंशिएशन आता है. ठीक है, और डिफरेंट पोलन भी यहाँ पर ग्रो करते हैं, मतलब स्टिग्मा पर जाते हैं. तो इससे जिससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जाति स्पीसीज जो होती है जन्म लेती है. ओके, तो इसे कहते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें एक फ्लावर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलिनेशन होता है. यानी कि यदि ये मान लीजिए मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल फ्लावर मेल प्लांट है ये, तो यहाँ से स्टिग्मा वो एंथर से पोलन ग्रैन रिलीज होंगे और पोलन ग्रैन कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पर. ये दूसरा क्या है? फीमेल फ्लावर है, यहाँ से जाएंगे स्टिग्मा पर. अब ये देखिए कोई पॉलिनेटर हो सकता है, ये पॉलिनेटर जो है ना इसके थ्रू जा रहे हैं, ये यहाँ पर आया, बैठा यहाँ पर, यहाँ से ये
पॉलन ग्रैंड्स को लेके और स्टिग्मा पर पहुंच गया बाय चांस, जानबूझ के नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जब बैठेगा इसके तभी तो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, इसी वजह से होते हैं कोई पॉलिनेटर आके अट्रैक्ट होके उसमें जो नेक्टर होता है उसकी खुशबू से उसके पोषण के लिए वो वहां पे आके बैठेगा और नेक्टर लेगा। नेक्टर लेने के वजह से आकर्षित होगा कि पोषण लेने के लिए वो नेक्टर के से आकर्षित होगा, फूलों की खुशबू अच्छी होगी तो उस वजह से आकर्षित होगा और वो फ्लावर पर आएगा और यहाँ से पॉलन ग्रहण लेकर के फीमेल तक पहुंचेगा। इस प्रकार से परागण संपन्न होगा और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में होगा तो इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जीनोगैमी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसी आप ये प्लांट भी दे सकते हैं, एक ये प्लांट है एक ये प्लांट है, यहाँ से क्या कर रहा है ये क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। आप ये भी देख सकते हैं इसमें तीनों ही पॉलिनेशन दिखाए गए हैं। सेल पॉलिनेशन इस प्लांट के अंदर हो रहा है, सेल पॉलिनेशन कैसे ये देखिए, ये जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे कहेंगे हम ऑटोगैमी और ये जो पॉलिनेशन हो रहा है वो है गिप्नोगैमी फ्लावर, गिप्नोगैमी पॉलिनेशन। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में होता है और गिप्नोगैमी में डिफरेंट फ्लावर में होता है, लेकिन प्लांट एक ही होता है, और जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट पर होता है पॉलिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हो गया पॉलिनेशन, अब हम पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन किन किन एजेंट के थ्रू होता है, किस किस कारक के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो बीज है यानी कि जो मधुमक्खी है वो पॉलिनेटर का कार्य कर रही है, यहाँ से परागकणों को स्टिग्मा पर ले आ रही है। तो ये कौन कौन से पॉलिनेटर्स होते हैं, किस किस के थ्रू होता है, देखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ए बायोटिक मीन्स मतलब जो एनिमल्स नहीं है, अजीवीय जो एजेंट है वो। ठीक है, अजीवीय एजेंट कौन कौन से हैं, बाइंड पॉलिनेशन इसमें आता है और बार्टर पॉलिनेशन, यानी कि जिन पेड़ पौधों में बाइंड पॉलिनेशन हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक, यानी कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं, हवा के थ्रू पहुंचते हैं, तो उसे कहते हैं विंड पॉलिनेशन। और दूसरा है वाटर पॉलिनेशन, इसमें पानी के थ्रू पहुंचते हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। और जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, उसे कहते हैं एनिमोफिली। यानी कि एबायोटिक एजेंट में दो प्रकार का है, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। और बायोटिक एजेंट में यानी कि जीवीय कारक है उसके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं, जो एनिमल्स के थ्रू फैलता है, जो एनिमल्स के थ्रू सॉरी फैलता नहीं है, एनिमल्स के थ्रू परागण जो होता है वो बायोटिक एजेंट के थ्रू आता है, बायोटिक एजेंट में आता है। तो एनिमल्स में इसे हम जूफिली भी कह सकते हैं। ठीक है, जूफिली के अंदर यानी कि एनिमल्स जो होंगे वो जूफिली के अंदर आएंगे सारे। ठीक है, एनिमल्स बोलो या फिर जूफिली भी बोल सकते हैं इसको हम, जो एनिमल्स के थ्रू फैल रहे हैं। तो इसमें आता है बैट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के थ्रू तो होता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन बैट के थ्रू भी फैलता है, यानी जो चमगादड़ होता है उसके थ्रू भी पॉलिनेशन फैलता है जिसे हम बोलते हैं चिरेटोफिली, और इंसेक्ट के थ्रू फैलता है तो उसे बोलते हैं एटमोफिली, और बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, यानी कि चिरेटोफिली, एटमोफिली और ऑर्निथोफिली। ठीक है, आगे हम इन सब चीजों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो पहला है विंड पॉलिनेशन, यानी कि जो एबायोटिक एजेंट में है। विंड पॉलिनेशन में क्या है, विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। ये ध्यान रखो, पूछा जाता है कभी कई बार कि विंड पॉलिनेशन नोन एज एनिमोफिली। तो क्या है इसमें, तो स्टिग्मा आर फीदर एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो इसके स्टिग्मा होते हैं जिन प्लांट्स में हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिनमें परागकण जो है हवा के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो उसे कहते हैं विंड पॉलिनेशन। इसके जो ये जो आप देख रहे हैं स्टिग्मा जो है वो कैसे होते हैं, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपने पंख देखे ही होंगे, देखो इस तरीके से पंख है। ठीक है, और जो हैंग आउट लटके हुए रहते हैं इस तरीके से, तो इनका ऐसा फ्लावर होता है, जैसे कि आप जिया मेज को देख सकते हैं, जिया मेज मक्का में इसी तरीके का होता है। ठीक है, मेज यानी कि मक्का, उसका बैकग्राउंड नाम है जिया मेज। तो स्टिग्मा फैदरी एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर से ये लटके हुए रहते हैं। ओके, स्टिग्मा ये सारे क्या है, स्टिग्मा है, फ्लावर क्या है, ये फ्लावर में ये जो स्टिग्मा है वो
इस तरीके से फीदर लाइक स्ट्रक्चर है। ये किसमें पाए जाते हैं? मेज में पाए जाते हैं। ये जो फीदर होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, स्टिग्मा और नॉन स्टिकी होते हैं। इस टाइप के फ्लावर लाइट वेट और नॉन स्टिकी, यानी कि हवा के थ्रू नॉन स्टिकी, कैसे हर कुछ चीज इनसे आके न चिपक जाए, और हल्के होते हैं। एंथर आर वेल एक्सपोज फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि जो इसके एंथर होते हैं इनमें, वो बेल अच्छी तरीके से खुले हुए होते हैं, एक्सपोज होते हैं, जिससे ये अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, इजी तरीके से ये पोलन ग्रेन के रिलीज हो सके। इसलिए इनके जो एंथर होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, क्योंकि हवा के थ्रू हो रहा है, हवा चलेगी तो अच्छे से एक्सपोज होते हैं ये, तो पोलन ग्रेन जो होंगे हवा के थ्रू रिलीज होकर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, और जो कंपेटेबल होंगे, मतलब जो सही स्थान होगा इनका पहुंचने का, जहां पोलिनेशन करना है वहां पर ये इस तरीके से पहुंचेंगे, और वहां पर मतलब फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस, यानी कि ये बता रहा है कि जो वाइंड पॉलिनेशन के जो फ्लावर होते हैं वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्टर क्या होता है? इनमें नेक्टर जो होता है पोषण का काम करता है, ठीक है, एक पदार्थ होता है, और कलरफुल भी नहीं होते हैं ये। क्यों? क्योंकि इन पर कोई कीट को आकर्षित करना नहीं है। कलरफुल वो फ्लावर होंगे जिन्हें अपनी तरफ कीट को आकर्षित करना है, जिन्हें अपनी तरफ बर्ड को है, जैसे कि, या फिर अदर स्पीसीज, अदर एनिमल्स जो है उनको अट्रैक्ट करना है, तो वो कलरफुल होंगे। इनको कोई जरूरत नहीं है, ये तो हवा के थ्रू होते हैं, इसलिए जिन पेड़ों में बाइंड के थ्रू होता है वो कलरफुल भी नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जैसे कि जिया मेज मैंने आपको बताया, तो ये है जिया मेज, आप देख रहे हैं इसमें, ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें ये ऊपर सबसे ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि जैसे बताया आपको कि ये जो उसके एंथर जो होते हैं वो अच्छे से एक्सपोज्ड होते हैं, ये देखिए अच्छे से एक्सपोज्ड हैं इसके, ठीक है, ऊपर लगे हुए, हवा के थ्रू जब ये जाएंगे, हवा चलेगी तो ये देखिए नीचे मेल फीमेल फ्लावर है। ये जो कॉर्न है, जो आप कॉर्न खाते हो वो ये कॉर्न है, ये क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है ये, ठीक है। तो इसे जो हम, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंथर जो है ये, इस तरीके से इसे बोलते हैं हम टेसल, टेसल होता है, ये एंथर्स है, इनके अंदर ये निकल लेते हैं, ये है ग्लूम, ठीक है, ये क्या है बीच बीच में, ये ग्लूम है और ये है एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे जब भी हवा चलेगी, मतलब जब ये सही स्थिति होगी तब ये रिलीज होंगे, और हवा के थ्रू ये नीचे है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, तो यहाँ पर अपने आप ही हवा के थ्रू आ जाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए ये नीचे होती हैं। ये जो है सिल्क लाइक स्ट्रक्चर है, फीदर जो ये निकले हुए रहते हैं इसमें से, जिसे हम सिल्क कहते हैं, ठीक है, ओके। ये तो इसकी रूट वगैरह है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये खाने का भाग होता है, ऊपर से जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो पेड़ के सबसे ऊपर होता है, यहीं से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। अब आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी कि जिनमें पोलिनेशन जल के द्वारा होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेलिसनेरिया जो होता है, उसमें बेलिसनेरिया में वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है। तो इट इज द मोड ऑफ पॉलिनेटर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू वाटर, यानी कि जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोफिली, जिसमें कि जॉस्टेरा है और बेरिसनेरिया है, हाइड्रिला है, हाइड्रा सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसे सभी लोग जानते हैं, सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा इसे, तो हाइड्रिला फ्रेश वाटर के हैं और बेरिसनेरिया भी फ्रेश वाटर का है, जबकि जो जॉस्टेरा है वो किसका है? मैराइन सी ग्रास भी, इसे हम बोलते हैं ईल ग्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte, यानी कि इस प्रकार का जो pollination है वो क्या होता है lower plant group में, जैसे कि algae है, bryophytes है, pteridophytes है, इस प्रकार के group में होता है ये। small and colorless, stigma long and sticky,
ठीक है। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं यानी कि छोटे होते हैं और कलरलेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जो विंड के द्वारा भी फैलते हैं वो भी कलरलेस होते हैं और मैक्सिमम, और ये वाटर के द्वारा भी जो होता है वो भी कलरलेस होते हैं। और स्टिग्मा जो होते हैं वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है, यानी कि चिपचिपी टाइप की होती है और लॉन्ग होती है। ये देखिए आप, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो स्टिग्मा है, पिस्टल है ये पूरी, ये कैसा है, लॉन्ग है ये काफी, और कैसी होती है, स्टिकी होती है। जबकि जो विंड पॉलिनेशन था उसमें जो स्टिग्मा थी वो फेदर लाइक थी और नॉन स्टिकी थी। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, सभी एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर पॉलिनेशन का यूज नहीं करते हैं, यानी कि जो भी जलीय पौधे हैं उनमें जरूरी नहीं है सभी में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जैसे कि आप देख सकते हैं जो वाटर हाइसिंथ हमने फर्स्ट चैप्टर में जिसको पढ़ा था वाटर हाइसिंथ को, और वाटर लिली जो है, इन दोनों में क्या पॉलिनेशन जो होता है ये वाटर में पाए जाते हैं, पानी के पौधे हैं, लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये मेल फ्लावर है, ये मेल है, ये स्टेमनेट फ्लावर्स है, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टेमनेट फ्लावर जब इसमें से पॉलन ग्लैंड रिलीज होते हैं तो इस तरीके से ये ऊपर जाते हैं क्योंकि लाइट होते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाएंगे इस तरीके से, लाइट वेट होते हैं तो ऊपर जाएंगे, वाटर के लेवल पर पहुंचेंगे, सरफेस पे। ये मेल फ्लावर यहाँ आ गए, तो ये जो है, ये पिस्टल जो है ना, इस पूरी को पिस्टल बोलते हैं, इनकी जो स्टिग्मा है ये पूरा लॉन्ग होता है और ये इस तरीके से फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है यहाँ पे। जब भी मेल गैमीट यानी कि जो एंथर्स आएंगे उनसे उससे इससे चिपक जाएंगे, ये स्टिकी होते हैं तो मेल गैमीट जो है ना, एंथर्स जो है वो इससे आके स्टिक हो जाए, चिपक जाएंगे इससे, इस तरीके से पॉलिनेशन संपन्न होगा। ओके, इसमें भी अलग अलग प्लांट होते हैं, देखिए इसमें पिस्टल है और इसमें ये इसमें स्टिमनेट है और इसमें पिस्टल है, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये बेलिसनेरिया का वो भी प्लांट था और ये जो है वो एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि फीमेल फ्लावर, आप देखिए ये है फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये वाटर सरफेस पर यहाँ पर पोलन रिलीज करेंगे। अब इसकी जो स्टिग्मा है, ये फीमेल फ्लावर है, इसकी जो स्टिग्मा है आप देखिए, ये स्टिग्मा जो है ना वो इस तरीके से चारों तरफ फ्लोट करती रहती है, घूमती रहती है। जब भी मेल फ्लावर है ये पानी में पोलन ग्लैंड रिलीज कर देते हैं यहाँ पर, तो जब भी ये इससे आके चिपक जाते हैं, मतलब ये फ्लोट कर रही होती है, जब भी यहाँ पर आएंगे तो ये इससे चिपक जाएंगे, इस तरीके से पॉलिनेशन संपन्न होगा। ठीक है, ये मेल फ्लावर है, आप देख सकते हैं गैलिसनेरिया जो है वो किसमें पाया जाता है, फ्रेश वाटर का पौधा है, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला पौधा है गैलिसनेरिया और हाइड्रिला। नेक्स्ट देखते हैं जोस्टेरा, जोस्टेरा जो है देखिए आप कितना खूबसूरत पौधा है, वाह सुपर्ब। इसका ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, इसको ईल ग्रास के नाम से भी ये फेमस है, इट इज फाउंड इन सी मैराइन वाटर एंड आल्सो नोन एज ईल ग्रास, ठीक है, इसको हम किसके ईल ग्रास के नाम से भी जाते हैं और ये समुद्र में पाया जाता है। दिस एंजियोस्पर्म हैज लॉन्गेस्ट पोलन अप टू 25 μm माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, माइक्रोमीटर, यानी कि दिस एंजियोस्पर्म हैज लॉन्गेस्ट पोलन, ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है यानी कि ये जो जोस्टेरा है, ये सभी एंजियोस्पर्म के अंदर ही पड़ रहे हैं, ये सारे प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर ही है, तो ये जो जोस्टेरा है वो कैसा है, लॉन्गेस्ट पोलन होते हैं इसके, कैसे कितने लंबे होते हैं, 2500 μm, ये तो बहुत लंबे, मतलब 2500 μm पोलन लंबे होते हैं ये, ठीक है, मैक्सिमम। और दिस पोलन फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इसके पोलन जो है ना वो वाटर सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं वाटर सरफेस पर। अब हम देखते हैं एनिमल्स में कैसे होता है, जैसे कि बीज है, बटरफ्लाईज है, फ्लीज है, बीटल्स, बैट्स, वास्प एंड
बीज, बटरफ्लाई, फ्लीज, बीटल्स, वेस्प, एंट्स, मॉथ, बर्ड्स, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिक एजेंट। ये जो सारे पॉलिनेटिक एजेंट है ये नॉर्मली है, इनके द्वारा पॉलिनेशन संपन्न होता है। जैसे कि पहले हम देखते हैं बैट्स के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं चिरेटोफिली चिरेटोफिली, यानी कि जो बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, चिरेटोफिली पॉलिनेशन। ठीक है, चिरेटोफिली। तो नेक्टर रिच, इसमें क्या खासियत होती है जो बैट के द्वारा फैलता है जिन प्लांट्स में, तो उन प्लांट्स में नेक्टर की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, जिससे क्या होता है, चमगादड़ जो होते हैं नेक्टर की तलाश में उस प्लांट पर जाते हैं, जिससे नेक्टर जो होता है उन्हें अट्रैक्ट करता है कि भाई हम आपको नेक्टर देंगे पोषण के लिए और आप हमारा पॉलिनेशन संपन्न करो। तो हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं ये, मतलब बहुत ज्यादा खुशबू पैदा करते हैं, फ्रेग्रेंट रिलीज करते हैं, जिससे चमगादड़ की ओर आकर्षित होते हैं। ब्लूम्स विद अ मस्टी फ्रूटी एरोमा, फ्लावर्स आर यूजली ट्यूब और फनल शेप्ड, यानी कि इनके फ्लावर्स जो कैसे होते हैं, ये तो ट्यूब साइड के, ये देखिए फनल साइड शेप के हैं, ट्यूब या फनल शेप के होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके फ्लावर होते हैं इस तरीके से। जैसे कि एरेका पाम है, अगियो प्लांट है, कालावस है, मिडनाइट टेरेट्री है, ये सारे प्लांट जो होते हैं ये बैट्स के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। अरेका पाम, अगे प्लांट, कालावस, मिडनाइट टेरेटरी, जिसे हम और जाइलम इंडिकेटम भी कहते हैं। ठीक है, ये चमगादड़ इसके द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। ये ज्यादातर मैक्सिमम रात को ही होता है, क्योंकि चमगादड़ तो रात को ही आते हैं। ठीक है, रात को क्या करते हैं, पेड़ों पर आते हैं तो पॉलिनेशन संपन्न करते हैं। बट पॉलिनेशन कैसे होता है, देखिए ऑर्निथोफिली, बट पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, बैट्स को बोलते हैं चिरेटोफिली। अब बट पॉलिनेशन में विदाउट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस नेक्टर, यानी कि इनमें ऐसी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती लेकिन नेक्टर को ये प्रोड्यूस करते हैं। ब्राइटली कलर्ड होते हैं, देखिए कितने खूबसूरत कलर के प्लांट्स हैं, ये ब्राइटली कलर्स के होते हैं, जिससे क्या होते हैं, बर्ड्स इनकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। ब्राइटली कलर्ड फनल शेप्ड कोरोला, इनकी जो कोरोला होते हैं इनके, ये कैसे होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं। कोरोला कैसे होते हैं, फनल शेप्ड। जैसे कि बिग्नोनिया है, अगेव है, एरिथ्रीना है और बॉम्बैक्स है। बॉम्बैक्स जिसे हम रेड सिल्क कॉटन बोलते हैं, एरिथ्रीना को कोरल ट्री बोलते हैं, ये एरिथ्रीना का पौधा है, ये देखिए ये एरिथ्रीना कोरल ट्री जिसे हम बोलते हैं, इसमें बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन संपन्न होता है। और बॉम्बैक्स यानी कि रेड सिल्क कॉटन ये है, इसमें बर्ड के द्वारा होता है, देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका, इसे हम रेड सिल्क, इसकी जो ये जो पेटल है इसके वो कैसे होते हैं, सिल्क की तरह होते हैं, मखमली टाइप के होते हैं इसके। ठीक है, ये बिग्नोनिया का प्लांट है। और ये अगेव, अगेव में मतलब इसमें क्या होता है, मे फ्लावर जो होता है वो ऊपर इस तरीके से लगा रहता है, ये दूसरे टाइप का अगेव है। ठीक है, इस तरीके से फ्लावर इसमें लगा रहता है, यहीं से पॉलन ग्लैंड जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। अब है इंसेक्ट, इंसेक्ट को कहते हैं हम एटमोफिली, एटमोफिली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड जिन फ्लावर्स में इंसेक्ट के द्वारा, जिसकी बीज वगैरह है, बटरफ्लाई है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स में कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। ये फ्लावर्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं और फ्रेग्रेंट होते हैं, यानी कि खुशबू देते हैं काफी अच्छी, और नेक्टर जो होते हैं इनमें में पाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू फ्लावर्स, ये जो होते हैं बड़े बड़े फ्लावर्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं और फ्रेग्रेंट भी काफी अच्छे देते हैं और उनमें नेक्टर भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो मतलब जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो नेक्टर के लालच में इन पेड़ों पर, इन फ्लावर्स में आएंगे, तो फ्लावर्स जो है नेक्टर देंगे और बदले में ये पॉलिनेटर करेंगे, मतलब पॉलिनेटर का काम करेंगे, तो इससे पॉलिनेशन संपन्न होगा। ठीक है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लीज एंड बीटल सीक्रेट फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, यानी कि इनके जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लीज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए सीक्रेट करते हैं ऑर्डर, यानी कि अच्छी खुशबू को, जिससे खुशबू पहचान करके वो इसको अट्रैक्ट होती है,
कि भाई हमसे नेक्टर लेके जाओ और हमारा पॉलिनेशन जो है वो संपन्न करो। ठीक है, तो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं एटमोफिली। इन सम स्पीसीज फ्लावर रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, यानी कि कुछ फ्लावर्स की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि ले अंडों को जगह देती हैं, यानी कि फ्लावर्स में कुछ एनिमल्स के अंडे रखती हैं और उनको सेफ रखती हैं, तो कुछ फ्लावर्स इतने बड़े भी होते हैं जो ले एग्स का काम भी करते हैं। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर एमोरफोफेलस का जो प्लांट्स होता है, फ्लावर होता है, वो काफी बड़ा होता है और अंडों को सेकने का रखने का काम करता है। एंड ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट यूका, यानी कि मॉथ और जो प्लांट यूका होता है इन दोनों में भी यही संबंध होता है। एक प्लांट जो होता है वेयर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड यूका प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, यानी कि मॉथ और यूका प्लांट जो होता है वो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। द मोथ डिपोजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इट टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, यानी कि मोथ के द्वारा जो यूका प्लांट होता है वो मोथ के एग्स को यहाँ पर रखता है और मोथ जो होता है वो इसको पॉलिनेट करता है। ठीक है, तो द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग, यानी कि जो मॉथ का जो लार्वा होता है वो एग से अंडे से कब बाहर आता है, जब सीड जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपिंग के लिए, यानी कि इनमें पॉलिनेशन संपन्न हो चुका होता है और सीड जब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं तब मॉथ का जो लार्वा होता है जो एग होता है एग से लार्वा बाहर आता है। ठीक है, तो यानी कि मॉथ और ये यूका प्लांट जो है एक दूसरे की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब मेजोरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को पैदा करते हैं, यानी कि जिसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर यानी कि बाइसेक्सुअल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों प्रेजेंट रहती हैं, ऐसे फ्लावर्स को पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिससे कि सेम फ्लावर पर ही पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा होते हैं तो वो आपस में पॉलिनेशन कर लेते हैं। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यदि सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू रहता है ऐसा तो उनमें इनब्रीडिंग जो होती है वो अवनमन हो जाता है, उनका सेल्फ यानी कि पॉलिनेशन में अवनमन हो जाता है, फिर अच्छे पौधे में कमी आ जाती है, यानी कि पॉलिनेशन अच्छे से नहीं, मतलब पॉलिनेशन तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन क्या होता है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन उनमें होता रहता है, एक ही पौधे का एक ही फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन वैसे पौधे उगते रहते हैं तो उनमें कमी होने लगती है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो डेवलप करते हैं मेनी ऐसी डिवाइसेस को जो कि सेल्फ पॉलिनेशन की कमी करे और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाए, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का जन्म हो। इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि भले ही पोलन जब रिलीज होते हैं तब स्टिग्मा उसको रिसेप्टिव नहीं करती, यानी कि स्टिग्मा तैयार नहीं होती है पोलन को लेने के लिए, वो इतनी परिपक्व नहीं हो पाती है, और आइदर द पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, यानी कि कभी कभार क्या होता है स्टिग्मा तैयार होती है लेकिन उस टाइम पे जब पोलन को आना चाहिए उस टाइम पे पोलन जो होते हैं वो आते, मतलब एंथर जो एंथर से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते, जिससे पोलिनेशन संपन्न नहीं हो पाता है, यानी कि राइट टाइम पर ना स्टिग्मा को जब चाहिए तब पोलन ग्रेन नहीं मिलते और जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तब स्टिग्मा तैयार नहीं होती है। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, बोथ दीज डिवाइसेज प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये दोनों डिवाइसेज जो है वो क्या करती हैं प्रिवेंट करती हैं ऑटोगेमी को, यानी कि जो ऑटोगेमी जिसे हमने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में
तो ये दोनों जो होती हैं वो प्रिवेंट यानी कि रोकती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया पॉलिनेशन संपन्न, यहाँ पर कंप्लीट हो गया पॉलिनेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलन पिस्टन इंट्रैक्शन जो है उसको पढ़ेंगे आगे, और जो भी चैप्टर में होगा उसको हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा है, ठीक है, क्या इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे इस चीज को।